गुंजन बताना। रतन छोटे चंद ने कहा ना कि कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ होगा। हालांकि सच्ची बात यह पुत्र के दोनों में कुछ तो हुआ है, पर अगर नहीं बताते हैं तो कोई गल नहीं, पर पति पत्नी में तो नोक झोंक लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं ना, आपस में निपटा ले वो अच्छा है, बाहर वाला कोई कुछ कहेगा ना तो बात और बिगड़ जानी है। इन दोनों को निपटने दे। ज्यादा देर नाराज मत रह। गुंजन इत्था ओ यार ना डर मत, नहीं पूछूंगी कि तेरे और छोटे चंद के बीच में क्या हुआ है। चंगा मेरी बच्ची, हुन गल सुन। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो ये ऊन की दो सलाइयों की तरह होता है। जब तक ये मुई टकराएंगी नहीं ना, स्वेटर तो बनना ही नहीं। लड़ाई करने से डरना नहीं, क्योंकि लड़ाई करने से प्यार बढ़ता है, रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है पुत्र। बस पुत्र एक गल का ध्यान रखना, अगर गलती की हो तो गलती करने वाला पहले माफी मांग ले, और जो सामने वाला है वो गलती को माफ कर दे फट से। हो गई गल खत्म? हम समझ गए? पुत्र पापा जी, वो बीजी घर आ गई? नहीं, उन्हें थोड़ा और टाइम लगेगा। बलदेव, मैंने तेरे नाल कुछ गल करनी है, तेरे ब्याह के बारे में नहीं, किसी और बारे में। मैं तो, तू मानता है ना कि मैंने बहुत भरोसा करके तेरे कारोबार को जमाने के लिए पैसे दिए थे। जी पापा जी। और जे मैंने पता लगे कि तेरी हरकतों की वजह से मेरा भरोसा टूट सकता है तो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो पापा जी? मैं सुनया है कि तू बहुत लापरवाही से कारोबार कर रहा है, बिना पड़े कागज साइन करता है, सामान चेक भी नहीं करता है, ट्रक में क्या माल लोड हुआ है तुझे पता भी नहीं होता। ये किसने कहा आपसे? किसी ने भी कहा, इससे कोई मतलब नहीं है। और कौन कहेगा? दुनियाल चाचू ने आग लगाई है। ओ बलदेव, आग तो तू खुद लगा देगा अपनी हरकतों से अपने कारोबार में। एक बारी यार दोस्तों से धोखा खा के अभी भी तुझे अकल नहीं आई है? मैं सोचा सी कि जे तू मेहनत करके अपना ये काम करेगा तो तेरे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में और पैसा डालूंगा, लेकिन अब सोचता हूँ कि चंगा ही हुआ। मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करके तुझे देखना चाहिए कि तू अपने इस कारोबार को आसमान तक ले जाएगा या कुएं में डुबो देगा। वाह पापा जी वाह, आपको मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है ना, इतना सा भी? यार चाचू ने एक बात क्या कह दी, आप ये मान के बैठ गए कि मैं गैर जिम्मेदार हो गया हूं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना, पर मतलब तो ये निकला ना। ठीक, अगर आपको अपने पुत्र के बजाय किसी बाहर वाले की बात पर यकीन करना है तो कोई नहीं, ऐसे ही। इसमें कौन सी नई बात है? आपको मुझ पर तो पहले भी भरोसा नहीं था कभी, तो अब क्या होगा? जब भरोसा ही नहीं है तो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बलदेव, ओ बलदेव सुन, तो नक के चला गया, पता नहीं अब गुस्से में क्या नया स्यापा करेगा। वीरा, याद नहीं है तेनू? याद क्या याद होना चाहिए था मैनू? अरे आज छोले भटूरे बनाए थे ना तेनू? क्या है ना पीछी, ये खाना पकाना ना मैं आराम नाल सीख जाऊंगी, बहुत वक्त है। वो क्या है ना कि मैनू नहीं लगता कि अब एक साल तक मेरा ब्याह होने वाला है। पहले वीर जी ने मानने में इतना वक्त लगाया, अब बंसुरी ताई जी ने, हो गया मेरा ब्याह तो है कि? और वैसे भी मीची, जब तक मेरे ब्याह होने का वक्त हुआ ना, तब तक तो मैं खा पी के मोटी हो चुकी होंगी। फिर ना ही मैंने ब्लाउज सूट होना है, ना ही संगीत की कुर्ती, मतलब ही क्या है कि नहीं? पहले ना तेनू अपनी ये आदत बंद करनी पड़ेगी,
जरा परेशान हो जाती तो बिस्कुट खाने लगती है। ससुराल जाएगी तो क्या रसोई के सारे डिब्बे खाली कर देगी? मेरा ब्याह कब तक ना खाने? ऐसी मनहूस बातें नहीं करते, ला इधर। क्या है ना, सुन, लड़के की माँ के लिए ना बहू को कबूल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको लगता है उसका बेटा लाखों में एक है और कोई भी बहू उसके काबिल नहीं। बीजी, क्या आपको मेरे बारे में भी ऐसा लगता है कि मैं रणवीर के काबिल नहीं? अब बोल के क्या फायदा, ब्याह तो हो गया ना, अब तुझे से गुजारा करना पड़ेगा मैंने। अरे मजाक कर रही हूँ, तू मेरे रणवीर के वास्ते एकदम सही है, दोनों जैसे सीपड़ मोती। तू खड़े खड़े क्या सुन रही है, जा जाके अंदर जा, छोले बनाने की तैयारी कर। सीखना ना तनु? ना सीखना। अरे वीरा चल अंदर। और सुन, रणवीर ने ना तुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहना, अब तो मुस्कुरा दे। तू मुस्कुराएगी ना तो मेरे घर में उजाला रहेगा। देखो आप चिंता मत करो, मैं एक बार शहर जाके ना सब देख लूँ, ठीक है? वाह नियाल चाचू वाह, मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप ऐसी हरकत करोगे, वो भी मेरे साथ। मैंने हमेशा आपकी खुशियों की परवाह की है, हमेशा। और जब मैनू खुशी मिलने की बारी आई, मेरा ब्याह हो रहा है, मेरे पापा जी ने मुझ पर यकीन करना शुरू कर दिया है, आप जाके तिली लगा रहे हो। क्या बात कर रहे हो बलदेव? क्या बात कर रहे हो मतलब? क्या कह रहे हो का मतलब क्या है? आपको पता है कितनी मुश्किल से मैंने पापा जी का भरोसा जीता है, फिर भी आपने जाके उनसे मेरी शिकायत करी। आपको ना सच्ची दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत हो गई है, इसे रणवीर आपसे चिढ़ा रहता है। हर काम में दखल देते हो, उसके घर में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करते हो आप। अब उसने सुनना बंद कर दिया है ना, इसलिए मेरी गड्डी की स्टीयरिंग संभालने आ गए आप। क्या हो गया बलदेव तुझे, थोड़ा धीरे बात कर, इतना चिल्ला क्यों रहा है? और वो नहीं करता मैं आवाज नीचे, क्यों करूं मैं है? क्या करोगे आप? फिर से बाबा जी के पास जाओगे ना मेरी शिकायत करने? इस बार वीरा से करोगी मेरी शिकायत? एक बात मैं समझ नहीं आती चाचू, आपसे दूसरों की खुशियां देखी क्यों नहीं जाती? कि आपकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है इसलिए। बस कर बलदेव, मैं तेरे पापा जी का दोस्त हूं। और मेरे पापा जी तो नहीं हो ना आप? अगर बेटे जैसा भी मानते ना मैंने तो मेरी मदद करते, मेरी शिकायत नहीं करते पापा जी से। देख बलदेव, मैं बस इतना ही चाहता था कि तू थोड़ी सावधानी बरते, कोई गलती ना करे। मैंने सिर्फ तुझे समझाने की कोशिश की थी, और जब तूने मेरी बात नहीं समझी तो मैंने तेरे पापा जी को बोला जिससे कि वो तुझे समझा सके। पर आप इतनी सलाह दे क्यों रहे हो? मैंने मांगी है? बताओ, नहीं ना? फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपसे, आगे से अब अपने काम से काम रखो। ऐसा तो नहीं जरा, और जानता है क्यों? इसलिए नहीं कि तुझे मेरी सलाह की जरूरत है, लेकिन इसलिए कि तेरा भविष्य अब वीरा के साथ जुड़ चुका है। तेरी जिंदगी वीरा के साथ जुड़ चुकी है, तेरा नाम वीरा के साथ जुड़ चुका है, और मैं नहीं चाहता बलदेव कि तू कोई ऐसी गलती करे जिसका खामियाजा वीरा को भुगतना पड़े। आपको वीरा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसकी फिक्र मैं हमेशा करता रहूंगा। तुझे पता है मैं बहुत खुश था जब मुझे पता चला कि वीरा की शादी उस लड़के से हो रही जिससे वो प्यार करती है, पर बलदेव अब मुझे उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। बस करो चाचू, आप मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं आपसे, मेरे मामलों से दूर रहो आप। मैं रणवीर नहीं, मुझसे जो पंगा लेता है मैं उसे सूद समेत लौटाता हूं, याद रखना। यार बलदेव बाजी ना कितने परेशान लग रहे थे, और सामान की लोडिंग कराने भी नहीं आए। और तो इसमें कौन सी बड़ी गल्ला है, और तू और मैं मिलके कर लेंगे, और सामान ही तो रखना है ट्रक में है। और वैसे भी पाजी ने उस दिन कहा था वो आखिरी स्टॉप वाले पीछे
और पहले वाले आगे हैं। और यार हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन कौन सी बोरी और कितनी बोरियां रखवानी है। और देख यार, और ये आज का ना अखीरला ट्रक है, और जितना सामान होगा ना सब का सब डलवा देते हैं। हाँ है तो सही रहा यार, चल शुरू करते हैं फिर। और ओ ओ इंदर इधर आ, माल देख लिया? जी सर जी, पूरा 8 किलो गांजा है इसमें। और चल भाई वरिंदर उतर चढ़ जा। हाँ थोड़ी मदद कर यार, सामान पीछे लगा। हाँ ऐसा करो, इसे चुपके से वहाँ पे बोरियों के साथ रखो, वो लोग ट्रक में लोड कर देंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा। आवाज सुनी तूने? तूने भी सुन ली यार, और कल से ना पेट खराब है मेरा। चल काम करना, सवेरे सवेरे ना बाजी से चेक करा लेना, जब वो नहीं आए ना तो 9 बजे तक अपने आप निकल जियो, और लोडिंग तो कुछ और रहनी से मान के। ठीक है पक्का जी, चलो ध्यान रख। ठीक है धीरे धीरे धीरे, बहुत भारी होगा, आराम से। हाँ बीजी निकालने तो दो। अब तो बता दो उसमें क्या खास है। रुक ना, खोल ले तो दे, तो अपने आप देख ले। ऐसा सूट मेरे वास्ते बहुत खास है, पता है क्यों? आपकी शादी का जोड़ा है ना, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरी माँ की भी शादी का जोड़ा है। पहले उन्होंने पहना, फिर मेरे वास्ते रखा, फिर मैंने अपनी शादी में पहना, और आज ये मैं तैनू दे रही हूँ। पीछे आप वाकई मैनू ये देना चाहती हैं? मतलब कितनी सारी यादें जुड़ी होंगी इससे। वीरा, धरोहर तो बढ़ाने के वास्ते ही होती है ना, और मेरी माँ ने भी तो मन में ये दिया था ना, आज मैं तन्नु दे रही हूँ। इस सूट में 2 पुश्तों का आशीर्वाद है, जो भी पहनेगा उसे बरकत मिलेगी। की गल है भाई, दोनों माँ बेटियां बड़ी चप्पियां पा रही हैं। मैं तो एक टीवी सीरियल नीचे छड़ के आई हूँ, दूजा तो इतने पहले से ही चालू है। अच्छा है ना चाची, ए टीवी बगैर बिजली के चलता। ओए चींचड़ी, तेरे को क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? तेरे तो मन की मुराद पूरी हो गई ना, बचपन से तेरी मुराद थी, तेरे को याद है 5-6 साल की थी इतनी सी, तूने ये सूट पहन लिया था। हायो मेरे रब्बा, रतन कितना गुस्सा हुई थी तेरे पे, याद है तेरे को?
जय जी, बहुत समय बीत गया। बच्ची के साथ साथ मामी भी समझ आ गई। अब तो ये माँ अपने पूरे आशीर्वाद के साथ अजोड़ा अपनी बेटी को पहनाएगी। हाय, नजर भर के देखने को भी डर लगता है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। लगने वाली, ये देख बस। तक बलदेव वापस ही नहीं आया कर। बंसरी जी का भी पता नहीं है। ये अभी तक तो गुरुद्वारा भी बंद हो जाता है, कितने रह गए? मैं ही देख के आता हूं। मैं वापस आ गई हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गई हूँ। शर्त मेरी अभी भी वही है, ये मेरा घर है और जब तक तो कोई फैसला नहीं होता मैं यहीं रहूंगी। और आप बाप बेटे ने जो करना ना आप करो, बस मुझे सवाल मत करना कोई। ओ बलदेव को तो बता दूं कि उसकी माँ वापस आ गई है घर। अरे चींचड़ी, इतने सारे पुराने कपड़े ले जाएगी ना तो तेरी सास है ना बंसुरी, कहेगी कि कितने कंजूस हैं, सारे पुराने टिका दिए, है ना? है, जो बोलना है बोले, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हरी तकिया, इसके बगैर तो मैनू नींद ही नहीं आती, इसको कैसे छोड़ सकती हो? नहीं नहीं, मैनू नींद नहीं आई तो नहीं नहीं, ये भी लेकर जाऊंगी। ले जा। और ये गुड़िया, ये तो बेची ने कितने प्यार से दी थी मैंने, अपने हाथ से बनाई है ना, ये भी लेकर जाऊंगी मैं, इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, है ना? और ये किताबें, ये तो मैंने कितनी बारी पढ़ी है, मैंने बहुत पसंद है, ये भी लेके जाना पड़ेगा। और ये पर्दे, ये तो खुद वीर जी ने पसंद किए थे ना जब मैं दिल्ली से वापस आई थी, इनको भी नहीं छोड़ सकती, वो भी निकालने पड़ेंगे, कितना सारा सामान है, सब कुछ रखना है। और ये फोटो फ्रेम्स, और अरे हाँ, मैंने तो उस कमरे की हर चीज पसंद है, मैं कुछ भी छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मैंने तो बड़े से पैक की जरूरत होगी। हे जाई जी, अब मैं क्या करूँ, सारा सामान कैसे लेकर जाऊंगी, मैंने तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई गॉड, मैंने बहुत घबराहट सी हो रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है और ठंडा पसीना आ रहा है। अजीब बात है, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई गॉड, हाथ पैर भी ना बहुत कांप रहे हैं, ऐसा लगता है कि पैर में वो झुंझुनी चढ़ती है ना, वैसे झुंझुनी चढ़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं बहुत तकलीफ हो रही है, क्या करूँ? वीरा, इसे ना शादी से पहले वाला बुखार कहते हैं। कोई नहीं, होता है, हर लड़की को होता है। सच में? और नहीं तो क्या, वरना तू खुद सोच, इतने साल तू हॉस्टल में रही है कल्ली, उस कमरे से तेरे को इतना लगाव नहीं हुआ, इससे कैसे हो गया? रब साई जी, आप भी ना, तब तो मैंने पता था ना कि लौट के वापस घर ही आना, जैसे कि सब कुछ मुझसे छूटने वाला है, वापस नहीं आ पाऊंगी। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैनू नहीं जाना। वीरा, तू चिंता ना कर, तेरे लिए लोरियो की सीढ़ी चला दूंगा मैं कमरे में, अपने आप नींद आ जाएगी। आओ जी, आओ। चाहिए जी। जन्ना आई जाता है तू रह के। ओए, कब से खड़ा है तू यहाँ पर, छुप के हमारी बातें सुन रहा था? हाँ, मैं वो तकिए का रोना खत्म हुआ था और हाँ, गुड़िया का रोना शुरू हुआ था तब से। अच्छा चाची जी, चाची जी, जिस तरह ये अपने चीजों को लेकर जज्बाती हो रही है, तो मैनू तो लगता है ब्याह के बाद इसने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर देना है, हैं? हाँ तो पुत्र, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तेरा तो यही हाल होना है। हाँ, सच्ची। तो इसी के लिए एक काम करते हैं चाची जी, हैं? सबकी सलामती के लिए इस बिगड़ी दिल शहजादी को उसके राजमहल से अलग करने के बजाय मैं ही अपना डेरा नंबर लेकर यहाँ आ जाता हूँ, है? बहुत बढ़िया, मतलब तू इस चींचड़ी के वास्ते, इस मेरा मतलब है शहजादी के वास्ते, तू हमारा कर्जवाई बनने को तैयार हो गया? हाँ। फिर एक काम करूंगी मैं,
तेरे को ना गोल गोल चंगी वाली रोटियां बनाना सिखा दूंगी, क्योंकि चींचड़ी को तो आता नहीं कुछ करना, तू ही कर लेना सारा कुछ। सीख जा, है ना? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।